सुप्रभात। आज कक्षा पांचवी हिंदी से अध्याय प्रथम हम भारत के भरत का दूसरा पद्यांश का अध्ययन करेंगे। जैसे कि कल मैंने पहले पद्यांश में बताया था कि भारतवासी सम्राट दुष्यंत के पुत्र जो भरत थे, उन्हीं के जैसे साहसी और वीरता दिखाने वाले हमारे देश हिंदुस्तान में वीर जो प्राप्त हुए थे, ऐसे ही वीर योद्धा आज भी होने चाहिए। तो इसी पद्यांश का हम आगे अध्ययन करेंगे। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां, काटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियां, कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो कवि ने इस पद्यांश का जो सरलार्थ बताया कि बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां। कवि बच्चों की वीरता का वर्णन करते हुए कहता है कि हम छोटी छोटी चिंगारी बड़ी बड़ी ज्वालाओं का डटकर मुकाबला करती हैं। काटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियां। कवि कहते हैं कि यहाँ पर जो बगीचे हैं उनमें फूलों से पहले काटे आते हैं, कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से। हम कठिन संघर्ष करके सफलता प्राप्त करते हैं, हम कभी अंगारे बनकर दहकते हैं तो कभी फूलों के समान खिलकर खुशियां फैलाते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हम अपने देश के लिए शान से जीते हैं और मरते हैं, तो इस जैसा जो संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान से बढ़कर हमारे पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है। तो जैसे कल मैंने इस पद्यांश का सारांश बताया था और शब्दार्थ जो लिखे थे, तो जैसे कि ये शब्दार्थ आपको, इसके अलावा ये और ये जो शब्दार्थ हैं चारों पद्यांश के, इसके शब्दार्थ जो दिए हुए हैं आपको लिख कर नोटबुक में उतार लेना है और उसको याद करना है। जैसे कि इस पद्यांश को हमने पढ़ा है, तो यहाँ पर इस पद्यांश के सरलार्थ में कुछ प्रश्न है, मैं आपको बताता हूँ कि फुलवारियों से हमें क्या मिलता है। तो फुलवारियों से हमें कांटे और फूल मिलते हैं। हम शान से क्या करते हैं, तो हम देश के लिए शान से जीते हैं और मरते हैं। फिर तीसरा प्रश्न बताया कि चिंगारियां शब्द का क्या आशय है, तो चिंगारियां शब्द यहाँ के वीर बालकों के लिए प्रयुक्त हुआ है। चौथा प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम या शीर्षक क्या है, तो हम भारत के भरत। ठीक है, आज इसका इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।